आपका क्वेश्चन है, टू फिल अ स्विमिंग पूल टू पाइप्स आर यूज्ड। इफ द पाइप्स ऑफ लार्जर डायमीटर यूज फॉर 4 आवर्स एंड द पाइप ऑफ द स्मॉलर डायमीटर यूज फॉर 9 आवर्स, ओनली हाफ ऑफ द पूल इज फिल्ड। फाइंड हाउ लॉन्ग वुड ईच पाइप टू फिल द पॉन्ड सेपरेटली। इफ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स मोर देन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर। ठीक है, अभी तो इसने देखो क्या क्या बोला है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे उल्टा यहां से। तो इसने बोला है कि जो हमारा स्मॉलर पाइप है वो 10 आवर्स ज्यादा लेगा देन द लार्जर वाले से। तो अब हम लेंगे टाइम। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना है लेट द लार्जर डायमीटर टेक्स टी आवर्स और यू कैन राइट एक्स आवर्स ऑल्सो। तो टाइम हमको मालूम पड़ जाएगा, टी मीन्स टाइम, तो उसलिए हमने टी लिखा। तो अगर टी हमारा लार्जर डायमीटर का है तो स्मॉलर का क्या हो जाएगा, टी प्लस टेन, तो स्मॉलर डायमीटर का टाइम क्या हो जाएगा, टी प्लस टेन। ठीक है, अब फिर से हम ऊपर से पढ़ते हैं। तो देखो उसने क्या बोला है कि लार्जर डायमीटर यूज्ड फॉर 4 आवर्स, दैट मींस 4 बाई टी। हमको यहां पर एफिशिएंसी ऑफ पाइप्स निकालना है, एफिशिएंसी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 बाई टी प्लस, और स्मॉलर वाले ने कितना किया है, 9 आवर्स, तो 9 बाई टी प्लस 10, तो 9 बाई टी प्लस 10 दैट इज इक्वल टू कितना फिल हुआ, हाफ, तो दैट मीन्स 1 बाई 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर क्रॉस ये आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, टी इंटू टी इज टी स्क्वायर प्लस 10 इंटू टी इज 10 टी, और इसको यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 40 प्लस 40 प्लस 90, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा आपका, 40 प्लस 90 इज 13 टी, तो 13 टी प्लस 40 बाई टी स्क्वायर प्लस 10 टी इज इक्वल टू 1 बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा आपका, टी स्क्वायर प्लस 10 टी इंटू 1, तो ये आपका सेम हो गया टी स्क्वायर प्लस 10 टी, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 13 इज 26 टी और 2 इंटू 40 इज 80 प्लस 80। सबको लेफ्ट साइड में लेकर आ जाओ, तो ये आपका आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 10 टी माइनस 26 टी माइनस 80, दैट विल गिव यू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा टी स्क्वायर माइनस 16 टी माइनस 80, दैट विल गिव यू 0। अब आपको क्या करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग, तो 80 के फैक्टर्स निकालते हैं। 80 240 220, तो यहां पर दिया है इसने माइनस 16, तो आपका यहां से ही हो गया 20 माइनस 4 इज 16। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा टी स्क्वायर
माइनस 20t प्लस 4t माइनस 8t दैट विल गिव यू जीरो। तो आपका देखो कॉमन क्या है, t इज कॉमन, तो ये हो गया t माइनस 20, यहां पर प्लस 4, तो t माइनस 20 दैट विल गिव यू जीरो। तो अब आपका देखो t क्या आएगा, t माइनस 20 दैट इज इक्वल टू जीरो और t प्लस 4 दैट इज इक्वल टू जीरो, तो t इज 20 एंड यहां पर आ गया t इज माइनस 4। तो टाइम आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो योर टी इज 20, लेकिन हमने टी किसका लिया था, टी इज लार्जर डायमीटर का टाइम। तो लार्जर डायमीटर टाइम इज इज 20 आवर्स। 20 आवर्स में वो अकेला ही हमारे स्विमिंग पूल को फिल कर देगा, और स्मॉलर डायमीटर डायमीटर का टाइम कितना हो जाएगा, टी प्लस 10, तो कितना हो गया 20 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 30 आवर्स। ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से करना है।